मुर्दाबाद प्रमोद प्रमोद कुमार मुर्दाबाद 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 मोहन सिंह मुर्दाबाद 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 नमस्कार, स्वागत है आपका जनमत की पुकार में। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कर्मभूमि मोतिहारी में बाबूधाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन को भारत सरकार रेल मंत्रालय के द्वारा अमृत महोत्सव उत्सव काल में अमृत स्टेशन के रूप में परिणित किए जाने के निमित्त पुनर्विकास परियोजना का वर्चुअल शिलान्यास कार्यक्रम में मोतिहारी नगर निगम की महापौर प्रीति कुमारी गुप्ता एवं नगर निगम के वार्ड पार्षद को आमंत्रित नहीं किए जाने पर निगम पार्षदों ने इसका विरोध जताते हुए कार्यक्रम में सांसद एवं विधायक के कार्यशैली पर सवाल खड़े कर निंदा की है। साथ ही बताया कि शिलान्यास कार्यक्रम में नगर निगम मेयर को आमंत्रित नहीं करना लोकतांत्रिक व्यवस्था पर कुठाराघात है। पार्षदों ने बताया कि यहाँ के स्थानीय सांसद सह रेलवे स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन राधामोहन सिंह स्वयं रेलवे मंत्रालय के स्थापित नियमों का अनदेखी दलीय परिधि में करते हुए प्रधानमंत्री की सोच एवं परिकल्पना को साकार नहीं करते हुए महिला जनप्रतिनिधियों का सम्मान प्रोटोकॉल को नजरअंदाज करना सांसद की ओछी सोच एवं गलत मानसिकता को दर्शाता है। जबकि सरकारी कार्यक्रम दलीय परिधि से ऊपर होता है, नगर निगम में इसको लेकर पार्षदों ने बैठक कर निंदा प्रस्ताव पारित कर सांसद और विधायक के खिलाफ नारेबाजी भी की। नगर पार्षदों ने संयुक्त रूप से कहा कि मोतिहारी नगर निगम परिक्षेत्र में क्षेत्राधीन बाबूधाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन आता है। प्रोटोकॉल एवं मान्य परंपरा के अनुरूप मोतिहारी की निर्वाचित प्रथम महिला महापौर एवं प्रथम नागरिक को कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया जाना दुराग्रह से प्रेरित और अब तक जनता के द्वारा दिए गए जनादेश एवं विकास कार्य को अवरुद्ध कराने की दिशा में सांसद का सतत प्रयत्नशील होना माना जा रहा है। जब कार्यक्रम में स्थानीय विधायक की सहभागिता कार्यक्रम के पूर्व से परिलक्षित हो रही है तो नव निर्वाचित महापौर की भूमिका को किस परिस्थिति में नजरअंदाज किया जा रहा है। सभी उपस्थित निगम पार्षद ने कहा कि सांसद के इस कृत्य का लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत विरोध जताते हुए इसकी सूचना राज्य सरकार रेलवे मंत्रालय प्रधानमंत्री जी तक प्रेषित कर इनके स्वेच्छाचरिता के संदर्भ में उपलब्ध कराएंगे एवं साथ ही इनके कार्यकलाप की निंदा करते हैं, ऐसा बताया गया। आज मोतिहारी नगर निगम के क्षेत्राधिकार में बहुत भारी माननीय सांसद के द्वारा मोतिहारी नगर निगम के मेयर साहिबा को आमंत्रित नहीं किया गया है। इसके विरोध में पूरे नगर मोतिहारी नगर निगम के पार्षद इसका विरोध कर रहे हैं। आज महात्मा गांधी के कर्म भूमि में फर्स्ट महिला जो मेयर चुनी गई है पूरे जनता के द्वारा उसका घोर अपमान किया गया है। आज मोतिहारी स्टेशन का उद्घाटन किया गया जो प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया वर्चुअल किया गया है, जिसमें महिला प्रतिनिधि और उनके घर में महिला के घर में नगर निगम क्षेत्राधिकार में आज जो कार्यक्रम हुआ है माननीय सांसद या विधायक के द्वारा न आमंत्रित करना घोर विरोध है। इस कुर्त के कर्म के लिए हम पूरे पार्षद इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं और विरोध करते रहेंगे। आज इसका दोषी किसको मानते हैं? इसका दोषी हम माननीय सांसद और विधायक को मानते हैं जो अपने घर में अपने लोगों को आमंत्रित न करना यह माने जनतांत्रिक के प्रक्रिया के विरुद्ध है। अपना परिचय। मेरा वार्ड नंबर 29 हुआ। नाम? रामाशंकर ठाकुर। वार्ड पार्षद। मोतिहारी जनता के द्वारा दिए गए जनादेश को स्थानीय सांसद एवं रेलवे स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन पचा नहीं पा रहे हैं। सभी जगह विकास कार्यों के साथ साथ मान परंपराओं को खिलवाड़ करने में संलग्न है। पूर्व केंद्रीय मंत्री होते हुए भी इन्हें संसदीय परंपराओं का साथ विभागीय परंपरा की अनदेखी कर क्या दर्शाना चाहते हैं? लोकतांत्रिक व्यवस्था इनके अनुरूप चलेगा या पद्धत संविधान के से चलेगा? यहाँ सभी निगम पार्षद
माननीय सांसद के इस कृत लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत विरोध जताते हुए महापौर को आमंत्रित नहीं करने के लिए मोतिहारी नगर निगम के जनता का अपमान किया है। वार्ड नंबर 39 वार्ड पार्षद पति हरि सिंह किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, किस कारण से? देखिए आज रेलवे, भारतीय रेलवे का आज उद्घाटन हुआ, माननीय मोदी जी के द्वारा ऑनलाइन उद्घाटन किया गया, जिसमें शहर के सभी गणमान्य की उपस्थिति थी और इस शहर की जो सर्वोपरि है माननीय महापौर, उसको अनदेखा किया, उन्हें कोई सूचना नहीं दिया गया, उनके क्षेत्र में उद्घाटन हो रहा है और उनको बुलाया नहीं जा रहा, जो हम सभी पार्षदों में रोष है, काफ़ी रोष है। यह भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं या तो इनसे डरे सहमे हैं या उनकी क्या गतिविधि चल रही है अंदर, वो लोग क्या चाह रहे हैं माननीय महापौर के साथ। ये लोग हमारे महापौर से डर चुके हैं, प्रथम महिला महापौर है पूर्वी चंपारण की प्रीति गुप्ता जी, पहले भी हम देखे हैं अनेकों बार या बाहर गुलदस्ता लेके वेट करती रही हैं, उनको तवज्जो नहीं दिया गया है माननीय सांसद विधायक के द्वारा, यह क्या हो रहा है? यह माननीय सांसद और विधायक इतना अगर रोष प्रकट करना है, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, यह प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की हुई है, इन लोगों को अब डर लग गया है, क्या मालूम मेरा सीट निकलेगा नहीं निकलेगा, इनके पास पब्लिसिटी काफ़ी है, महापौर का पब्लिसिटी है, उनके पति का पब्लिसिटी है, आज हम सभी पार्षदगण इनके समर्थन में हैं, तहे दिल से समर्थन में हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कर रहे हैं यह अनुचित कर रहे हैं, कहीं से सही नहीं कर रहे हैं, ये हमारे महापौर से डरे सहमे हैं। अपना परिचय दीजिए। मैं संतोष कुमार सिंह वार्ड नंबर 1 से पार्षद हूँ और जनता दल यूनाइटेड के बंजरिया प्रखंड के प्रभारी हैं। आज महात्मा गांधी के कर्म भूमि मोतिहारी के बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन के द्वारा अमृत महोत्सव उत्सव काल मनाया गया, जिसमें प्रीति कुमारी को आमंत्रित नहीं देने के कारण आज हम सभी वार्ड पार्षद आज विरोध करते हैं, आज सभी महिला सभी विरोध करती हैं कि उनको क्यों नहीं पूछा गया, ये राजनीतिक दलित के कारण आज हम सभी को हम अपमानित किया गया है, इसके विरुद्ध में आज सभी वार्ड पार्षद ही नहीं मोतिहारी के सभी जनता को नहीं क्या करते हैं विरोध करते हैं, और इसके कारण हम इनको अपमानित करते हुए हम सभी वार्ड पार्षद और जनता उनको आधार पर करते हैं। मैं राधना कुमारी वार्ड नंबर 14 वार्ड पार्षद और सत्ता स्थायी समिति के सदस्य। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कर्म भूमि मोतिहारी के बापूधाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन को भारत सरकार रेल मंत्रालय के द्वारा अमृत महोत्सव उत्सव काल में अमृत स्टेशन के रूप में परिणित किए जाने के नियमित पूर्ण विकास परियोजना का अर्जुन शिला निवास कार्यक्रम में मोतिहारी नगर निगम की महापौर श्रीमती कुमारी प्रीति को नहीं बुलाया गया है, यह हम लोग वार्ड पार्षदों के लिए बहुत अपमानजनक बात है, इसके लिए हम लोग विरोध कर रहे हैं और उनका हम लोग पुतला भी दहन करेंगे। बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन ज्योति देवी वार्ड पार्षद वार्ड नंबर 24। महात्मा गांधी के कर्म भूमि पर आज रेलवे स्टेशन का जो उद्घाटन भारत सरकार रेल मंत्रालय के द्वारा और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो हुआ है, उसमें हमारे नगर निगम की महापौर श्री प्रीति कुमारी गुप्ता जी की काफी उपेक्षा की गई है और माननीय सांसद महोदय, अन्य यहाँ के विधायक महोदय, इन्होंने दल के माध्यम से, दलगत माध्यम से माननीय प्रीति कुमारी गुप्ता जी का घोर विरोध किया और नहीं बुलाया, इसलिए कि वो भाजपा के यहाँ सीट लीडर माने जाते हैं, कि भाजपा के सीट लीडर माने जाते हैं, और हमारे नगर निगम की प्रथम महिला है हमारी माननीय प्रीति गुप्ता जी, और उनको नहीं बुलाना ये हम लोगों के लिए काफी कुठाराघात है, और हम सब पार्षद मिलकर इसका घोर निंदा करते हैं और घोर विरोध करते हैं, और इसके लिए हम लोग आगे भी जाएंगे, प्रधानमंत्री जी को भी लिखेंगे कि
प्रोटोकॉल के हिसाब से क्या हमारे माननीय महापौर को वहाँ बुलाना चाहिए या नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि विधायक से कमजोर पावर हमारे महापौर का नगर निगम में नहीं है, और नगर निगम में किसी प्रकार की सरकारी व्यवस्था का कार्यक्रम होता है वहाँ महापौर की उपस्थिति, गरिमाई उपस्थिति जरूरी है। लेकिन यहाँ दलीय व्यवस्था को देखते हुए काफी उपेक्षा की जा रही है महिला का, और महिलाओं का काफी उपेक्षा हो रही है, और एक तरफ सरकार महिला को आगे बढ़ाने के लिए, महिला को पढ़ाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कर रही है, लेकिन यहाँ काफी महिलाओं का उपेक्षा की जा रही है। मुकुल वर्मा, वार्ड नंबर 28, जय हिंद जय भारत। मोतिहारी नगर निगम के हॉल में हम लोग सारे पार्षद जमा हैं। आज हम लोग का इस विषय पर सारे पार्षद अपना खेद व्यक्त करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं कि सरकारी कार्यक्रम, केंद्र सरकार का कार्यक्रम था जिसमें नियम है कि सरकारी कार्यक्रम में वहाँ के स्थानीय विधायक, सांसद, मोतिहारी नगर निगम का के क्षेत्र में मोतिहारी स्टेशन है तो वहाँ के मेयर साहिबा को बुलाना अनिवार्य था, लेकिन उन्होंने दलीय भावना से ग्रसित होकर सरकारी कार्यक्रम को भाजपा का कार्यक्रम बना दिया उसको, जिसमें मेयर साहिबा और जितने भी पार्षद हैं किसी को आमंत्रित नहीं किया गया। कुछ लोग जो पार्टी से जुड़े हुए हैं बस वही आए, तो इसीलिए सारे पार्षद हम लोग सर्वसम्मति से विचार किए हैं कि इसमें आज हम लोग गांधी चौक पर सांसद महोदय, विधायक महोदय का हम लोग पुतला दहन करेंगे इसके विरोध में, और इसी के विषय पर हम लोग बात करने के लिए सारे पार्षद एकजुट होकर खेद व्यक्त कर रहा है कि यह जो हुआ है मेयर साहिबा का अपमान करके उन्होंने अच्छा नहीं किया है। 50% आबादी महिला का है, और एक जनता के द्वारा चुनी गई अभी हाल फिलहाल में मेयर साहिबा को इस प्रोग्राम में नहीं बुलाकर मोतिहारी के जनता का भी अपमान हुआ है एक तरह से। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।